सुबह गायत्री है और ये मेरे दोस्त मोहित रावत। आज हम आपको एक्सेल के बारे में समझाएंगे। एक्सेल में तो आप मार्क्सिस बना सकते हैं, सैलरी स्लिप है, एज कैलकुलेशन है, फिर बिल बना सकते हैं और जोड़ घटाओ वाले भी सारे काम कर सकते हैं। मगर आज का हमारा टॉपिक है कि आपको एक्सेल में बिल कैसे बनाना है वो समझाना। लेकिन जो बिल होता है वो तो ज़्यादातर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बनता है, जैसे कि टैली है, एम्पायर है, ये सारे सॉफ्टवेयर बिल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मगर यदि किसी कारण से इस ये प्रोग्राम ना चल सके यानी काम ना करता हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो उस समय पे हम इमरजेंसी के लिए एक्सेल में भी बिल बना सकते हैं, जो कि इस प्रकार बनाते हैं, वो आपको मेरे दोस्त समझाएंगे। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक बिल्स। और ये जो ये बिल होता है, ये ज़्यादातर बड़े बड़े मॉलों और बड़ी बड़ी दुकानों में बिल दिया जाता है। आज हम देखेंगे कि हम बिल कैसे तैयार करते हैं। ज़्यादातर तो बिल ये टेली और अंपायर में बने जाते हैं, परंतु हम चाहे तो एक्सेल में भी बना सकते हैं। बिल में हम सबसे पहले जो भी शॉप का नाम होता है वो डालते हैं, फिर उसके बाद एड्रेस और फोन नंबर, फिर पार्टी नेम यानी कि ग्राहक नंबर और इनवॉइस नंबर, लिखकर जो बिल का क्रमांक होता है वो, और डेट यानी कि आपने कौन सी तारीख में ये लिया है, और आइटम नेम यानी कि आपने कौन सा सामान खरीदा है। इसमें मान लीजिए कि आप कोई मॉल में गए, उसमें आपने टी शर्ट लिया और क्वांटिटी यानी कितना लिया है, 4 लिया, और एक वन का रेट कितना है, 250, तो 250 मल्टीप्लाई 4 यानी 1000 रुपीस होता है। इस प्रकार हमने मॉल से टी शर्ट, शर्ट, पैंट, कोट और साड़ी लिया है, उन सब पे क्वांटिटी रेट लिखा है और इक्वल टू फॉर्मूला के द्वारा हमने टोटल अमाउंट प्राप्त किया है। अब टोटल अमाउंट में इन सबका प्लस करेंगे और सारे जो शॉप होते हैं उनका ऐसा फिक्स होता है कि कुछ परसेंट इतना फिक्स होता है कि इतना परसेंट GST रखेंगे और इतना परसेंट डिस्काउंट रखेंगे। तो इधर डिस्काउंट 20% है, 20% के हिसाब से हमने डिस्काउंट निकाला तो 8980 रुपया उनको डिस्काउंट प्राप्त हुआ। फिर हमने GST 12% लगाया तो 5388 रुपये GST लगा। इस प्रकार नेट जो हमारा अमाउंट है वो टोटल अमाउंट माइनस डिस्काउंट प्लस GST का फॉर्मूला हमने लगाया तो 41308 रुपया ये हमारा ये पूरा अमाउंट निकला। और फिर हम इसका प्रिंट आउट निकाल के उनको ऐसा पक्की रसीद दे सकते हैं कि आपके ये सामान की बिल है। और हम चाहे तो एक्सेल में सेल्स रिपोर्ट भी बना सकते हैं कि 2016, 2017 और 2018 में कंपनी ने कितना ग्रो और प्रोडक्शन किया है। और ये मार्कशीट है, मार्कशीट यानी कि जो भी बच्चे लोग पढ़ते हैं तो उसमें उनका नंबर कितना आता है वो रिजल्ट भी हम एक्सेल में निकाल सकते हैं। ओके।